हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अचारी पनीर विथ ग्रेवी के साथ। सबसे पहले हम पनीर के छोटे छोटे पीस कर लेंगे, इससे दही मिलाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गैस पर, तेजपन का पत्ता डालेंगे उसमें, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच खड़ा धनिया डालेंगे उसमें, थोड़े से मेथी दाने ऐड करेंगे। मेथी दाने डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि वह कम डालें। अब इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे। अब अच्छे से भूनेंगे इसे। भूनने के बाद इसे मिक्सर में डालकर इसका मसाला बना लेना है। यह हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। हम दो टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची डालकर मिक्सर में पीस लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। एक पैन लेंगे, गैस को ऑन करेंगे। अब उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें राई जीरा डालेंगे, थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे और हमारा जो पेस्ट बना हुआ है टमाटर का वो डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने जो मसाला बनाया है वो मसाला डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालकर मिलाएंगे। अब इसमें पनीर डालकर अच्छे से हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये हमारा अचारी पनीर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।